भुरसी गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे को किया जाम। बस संचालक ने ऑटो चालक के साथ की मारपीट। डिंडौरी जिले के बजाक थाना क्षेत्र के अंतर्गत भुरसी गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे से डोल पंडरिया मार्ग किया जाम, जिससे कि वाहनों की लंबी कतार लग गई। गौरतलब है कि बीते दिनों बस संचालक ने ऑटो चालक के साथ मारपीट का मामला सामने आया था, जिसको लेकर कोई कार्रवाई होता नजर नहीं आता। देखकर भुरसी गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे से डोल पंडरिया मार्ग पर किया चक्का जाम, पुलिस बल तैनात रहा। जिला कलेक्टर विकास मिश्रा मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को घंटों समझाई देते रहे, लेकिन ग्रामीणों ने कार्रवाई की मांग को लेकर अड़े रहे। लेकिन कलेक्टर के बार बार समझाइश करने के बाद ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे को सैडोल पंडरिया मार्ग खुल सका, जिससे आवागमन सुचारू रूप से चालू हो सका। इतने देर तक आप भी क्या कर रहे थे? इतने देर से अभी तक एक्शन नहीं ले पाए? एक्शन में नहीं, कलेक्टर साहब सुबह सुबह आ गए थे। कलेक्टर साहब ने खुलवाया, हमको पता है कलेक्टर साहब क्या कर रहे हैं। कलेक्टर साहब का हमारे जिले में तो कलेक्टर है ही नहीं, वो तो बीजेपी के एजेंट बन के घूम रहे हैं। सही बात, सही बात। लोगों को भी गलती नहीं है साहबों की, अभी तत्काल कार्रवाई कर दें, लेकिन आप लोग आदेश करें तो कलेक्टर ऑर्डर नहीं करेगा। निकली स्कूल गए हाँ। और वहाँ से लड़ते समय उसको मार दिए ऑटो से उतार करके। कारण क्या था? अब कारण क्या तो पता नहीं क्या कारण था, वो हमेशा तो टाइम में तो चलाते थे। सब रिक्शे वाले तो कहते हैं कि 3 बजे के बाद कोई आता नहीं, और सब लोगों को धमकी लगा के रखा है। और जब तक अगर कोई टैक्सी यदि 5 मिनट पहले निकल गया तो सोच लो उसको कुर्सी तक पीछा करते आएंगे करके, और बीच रास्ते में गाड़ी रोक करके उसको 19 को मारने लगते हैं। हर टैक्सी वालों को ऐसे करते हैं। क्यों, क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं, और इस रोड में उसका गाड़ी होना नहीं चाहिए। उसका परमिट कैंसिल करवा दीजिए। तो यहाँ बहस कर रहे हैं ये लोग, पुलिस आगे कार्रवाई करवाना चाहिए ना। सामने खड़े हो कि क्या देख रहे हैं? कोई तरीका है? पब्लिक है, इतना लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, उसकी जिम्मेदारी कौन है? पुलिस आपका सहयोग नहीं कर रही है, तो खड़े होकर क्या देख रहे हैं? आगे जाके कार्रवाई करवाना चाहिए, खड़े रहना कि यहाँ सारा चीज करवाना चाहिए। कल जो मारपीट हुई थी उसके बाद क्या आप लोग थाने गए थे? तो थाने वाले ने अपना रिपोर्ट नहीं लिया, ऐसा सुनना लोग डटे थाने में, लेकिन वहाँ थाना में शायद रिपोर्ट करवाया है। मेरी तबीयत खराब है, उसके बाद भी मैं अभी इलाज करवाने के लिए जा रहा हूँ। जब मुझे ये जानकारी मिल गया था, इलाज करवाने जा रहा हूँ मैं, शायद गए हुए हैं वहाँ थाना में कार्रवाई करने के लिए। तो कार्रवाई किए हैं नहीं किए हैं, मैं भी अभी जानकारी ले रहा हूँ थाना में जाके। अभी एसपी सर से भी मैं मिलने जाऊंगा डिंडोरी के ऊपर। आपकी क्या मांग है सर? कार्रवाई होने चाहिए उसके ऊपर। बस का परमिट किस रोड से नहीं है? आप हमारी मांग, हमारी आदिवासी भाई को क्यों नहीं, किस कारण मारा है बगैर गलती के? उसको गलती बताया है। कौन मारा था? बस मालिक ने। क्या नाम है उसका? लड्डू और फिर हरिद्वार, दोनों भाइयों ने खून खून कर मारे हैं। किसको मारा है? संतोष प्रस्ते को। क्या है वो, ऑटो चलाता है सुना? हाँ, ऑटो चलाता था, स्कूल के बच्चों को लाता ले जाता है, छोटे छोटे बच्चों को। तो आप लोगों की क्या मांग है? वो आए यहाँ नहीं तो फिर किस कारण मारा है हमारे आदिवासी गोड़ भाई को? अभी आपके पहले आके हम क्यों मारा ये बताएं हम। अभी अभी आपके आंदोलन को ओमकार मरकाम का समर्थन मिला है, आप लोग इसमें क्या कहना चाहेंगे? नहीं वो आए और मारा क्यों हमारे आदिवासी को? हमारी ये कहना है, हमारी ये कहना है। और पुलिस प्रशासन साथ दे रही है क्या? अब ये सब साथ नहीं दे रहे हैं, इसके पास जाओ। पुलिस प्रशासन कल रिपोर्ट लिखाने गए तो कोई सुनवाई नहीं की। कार्रवाई नहीं, बजाज के अंदर मारा एक बार, दूसरी बार इधर लाके फिर मारा है हरियाल की चक्की के पास।